हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसलर्स किचन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आज तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ मेरा 2 वीक्स वेट लॉस का 5th डे का वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोग को दिखा देगी मेरा अभी प्रेजेंट वेट कितना है करके, क्योंकि 4 दिन में, मीन्स 4 नहीं 5 दिन में मेरा वेट कितना कम हुआ है ये भी मैं आप लोग से शेयर करेगी। फ्रेंड्स 5 दिन में मेरा वेट कितना कम हुआ है वो बता देती हूँ। पहला, मैं 2 वीक्स वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था, तभी था मेरा वेट 58.600। आज मेरा प्रेजेंट वेट है 57.800। फ्रेंड्स, वो हिसाब से मैं अच्छा खासा हेल्दी तरीके से 800 ग्राम में वेट लूज कर चुकी हूँ 5 दिन में। हेल्दी वेट लूज मीन्स 1 वीक में 1 kg वेट लूज होता है। सब कुछ खाते पी के हम लोग वेट लूज करते हैं ना, वो हेल्दी वेट लूज है। तो स्टार्टिंग में वेट लूज जर्नी स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, उन लोग का तो अच्छा खासा वेट ज्यादा ही लूज होता है। ऐसा नहीं है महीना का 4 ही किलो कम होएगा, ऐसा नहीं है, 6 किलो 7 किलो 8 किलो भी कम हो सकता है। क्योंकि मेरा 6 किलो वेट कम हुआ था स्टार्टिंग महीने में, पहला मैं वेट लूज जर्नी स्टार्ट की थी तभी। तो अभी क्या, अभी मेरा ओवर वेट सब चला गया है, अभी बचा कुचला ही वेट मुझे कम करना है। सब मैं डेली का डेली मेरा ईटिंग रूटीन आप लोग से शेयर करती हूँ, मैं क्या क्या खाती हूँ दोपहर को और सुबह घर पे क्या बनता है वही मैं खाती हूँ। बट मैं शाम को थोड़ी सी कुछ अलग से बना के खाती हूँ फ्रेंड्स। अभी और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ना रात को थोड़ा लो कैलोरी वाला लेगा तो अच्छा है फ्रेंड्स, जल्दी वेट कम होएगा। तो थोड़ा जल्दी डिनर लेने का, तो मैं भी अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने वाली हूँ। तो पहला मैं रागी रोटी चावल रोटी ये सब खाती थी ना, मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा अलग थोड़ा बनाऊँ। इतना फैट मेरा बॉडी से गया है, तो अभी बच्चे को चला फैट को निकालने के लिए थोड़ा और भी मेहनत करना पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए रात को मैं लो कैलोरी वाला फूड खाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। मैं आप लोग को पता है, मैं 15 मिनट से एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे कर करके 33 हाफ एन आवर का एक्सरसाइज करती थी। अभी 2 दिन से मैं 40 मिनट का एक्सरसाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स। अभी सोच रही हूँ कल से मैं 1 आवर का एक्सरसाइज करूँ, 5 to 6। अभी 5:30 to 6 o'clock करती थी, अभी थोड़ा बढ़ा दिया, 6:10 तक तो कर रही हूँ अभी 2 दिन से। तो अभी सोच रही हूँ 5 to 6 तक 1 आवर का एक्सरसाइज करूँ। मेरा बॉडी का एक्सरसाइज का जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इंचेस कम करना है, इतना जल्दी नहीं जाएगा मेरा चर्बी। क्योंकि मैं कभी 80 किलो की थी तभी भी मेरा अपर बॉडी का ही वेट ज्यादा था, मीन्स फैट ज्यादा था फ्रेंड्स, लोअर बॉडी का इतना नहीं था, ना मेरा थाई फैट ना मेरा हिप्स फैट ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था, इतना भी ज्यादा ओवर नहीं था। बट अपर बॉडी बहुत ज्यादा था, मेरा स्टमक और आर्म फैट और फेस ये ज्यादा था। आर्म फैट जाने के लिए भी अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रही हूँ, और टमी एरिया बेली फैट कम करने के लिए भी अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए मैं सोच रही हूँ अभी 1 आवर का एक्सरसाइज कर लेती हूँ, करने के लिए कोशिश करेगी, क्योंकि सुबह में वॉक भी नहीं जा पा रही हूँ। तो वॉक ओनली मैं आफ्टर द लंच हाफ एन आवर करती हूँ, आफ्टर द डिनर हाफ एन आवर करती हूँ, ऐसा करके 1 आवर का डेली का वॉक तो करी हो। बट बाहर जाके हम लोग वॉक करते हैं और अंदर घर के अंदर वॉक करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है फ्रेंड्स। तो बट कुछ ना करने से अच्छा कुछ करने का तो अच्छा है ना, इसके लिए मैं करती हूँ आफ्टर द लंच और आफ्टर द डिनर। तो इसके लिए एक्सरसाइज में थोड़ा ध्यान देने के लिए अभी कोशिश कर रही हूँ। आज तो फुल जंपिंग वाला ही एक्सरसाइज की हूँ, हाफ एन आवर में जंपिंग वाला की हूँ और 10 मिनट में ऐसे आर्म फैट के लिए वगैरह एक्सरसाइज की हूँ फ्रेंड्स। ऐसा 40 मिनट का अच्छा खासा एक्सरसाइज की हूँ। आज का मेरा रूटीन कैसा था, ईटिंग रूटीन देखिए फ्रेंड्स। आप अभी आप लोग को आगे देखने मिलेगा, शॉर्ट में दिखाई हूँ। तो चलिए, अभी मुझे वेनेसडे बाजार भी जाना है। आज का वीडियो आपको थोड़ा तो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना और कमेंट्स करना, चैनल पे नया आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स चिया सीड पुडिंग खा रही हूँ। इसमें मैं चिया सीड तो मैं रात को ही पानी में भिगोई थी, मैं और हस्बैंड खा रही हूँ, तो हस्बैंड के लिए मैं अलग से बनाई, मेरे लिए मैं अलग से बनाई, क्योंकि मेरे में क्वांटिटी सब कुछ कम रहेगा बनाना वगैरह, तो उनके लिए तो ज़्यादा रहेगा, इसके लिए उनको अलग से मैं बना के रखी हूँ। ये देखिए दूध वगैरह ज़्यादा डाली हूँ उसमें, मेरे में दूध भी 3 से 4 टीस्पून में मैं मेजर करके डाली हूँ फ्रेंड्स, और 3 खजूर डाली हूँ, आधा बनाना और उसके साथ आधा टीस्पून उतना होममेड पीनट बटर। मैं कल रात को बनाई थी, देखिए फ्रेंड्स पीनट बटर घर पे बनाती हूँ मैं, बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगता है ये बनाना सैंडविच में भी बना लगा के मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए कितना क्रीमी सा लग रहा है, ये आधा टीस्पून उतना मैं डाली थी उसमें पुडिंग में। तो उसके साथ बादाम नहीं था मेरे पास, बादाम रहता तो और भी अच्छा था, और नहीं तो ड्राई ग्रेप्स भी आप डाल सकते हो, चाहे तो आधा टीस्पून उतना हनी भी डाल सकते हो, बट मैं हनी भी नहीं यूज़ की हूँ, ओनली बनाना और खजूर का ही स्वीटनेस था।
चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा लंच पोषण कंट्रोल था लिए। राइस है, चिकन करी, सलाद में मैं कैरेट ली थी और ऑनियन अचार और भाजी था, काकड़ी और ब्राउन चना डाल के मैं सूखा भाजी बनाई थी। ये मेरा 5 बजे का ब्लैक कॉफ़ी रोज का रहता ही है। उसके साथ देखिए कुरमुरा हस्बैंड ने लेके आके रखा है। कल कुरमुरा ली थी, थोड़ा ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके साथ थोड़ा सा मूँगफली, थोड़ा सा बुना हुआ चना। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद 40 मिनट्स का अच्छा खासा मैंने एक्सरसाइज कर दिया था फ्रेंड्स, वही मैंने फ़ोटो आप लोग से शेयर की हूँ। ये मेरा डिनर है फ्रेंड्स। आज का डिनर में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। मुझे तो वाटरमेलन बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बट ओनली मैं ब्रेकफास्ट में नहीं खा पाती हूँ। रात का डिनर था ना, इसके लिए इसमें मैं नमक नहीं ऐड की हूँ फ्रेंड्स। आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक भी नहीं पी रही हूँ, ओनली पानी पीती हूँ।